बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं ये मज़ेदार से चिकन बोटी तवा फ्राई। तो इसके लिए हमने ले लिया है ये चिकन। चिकन मेरे पास बोनलेस था, हाफ के जी। इसको मैंने यहाँ पे क्यूब की शक्ल में कट कर लिया था और इसको पानी में डाल के सिंपली हमने बॉईल कर लिया। नमक डाला था पानी में थोड़ा सा जस्ट, और 10 मिनट के लिए उबालना है, ज़्यादा नहीं उबालना। ये मैंने पटैटो ले लिए थे, पटैटो को भी मैंने 4 से 5 मिनट कट कर लिया था, थोड़ा सा पानी डाल के और एक चुटकी नमक डाल के। जर्दे का रंग डाल दिया था एक चुटकी सिर्फ, ताकि इसका कलर जो है बहुत अच्छा आ जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे एक बाउल ले लिया, इसके अंदर हम मसाला इसके ऊपर लगाने के लिए जो है वो कोट करने के लिए बनाएंगे, जिसमें हमने मसाले में ले लिया कुटी हुई मिर्च, चिली फ्लेक्स मैंने हाफ चम्मच ले लिया, ये देखें चिली फ्लेक्स हाफ टेबल स्पून ले लिया, पिसा हुआ धनिया हाफ टेबल स्पून ले लिया, सॉल्ट एज रिक्वायर्ड लीजिएगा, मैंने यहाँ पे 1/4 टेबल स्पून लिया है, ब्लैक पेपर हाफ टेबल स्पून लिया है, यहाँ गार्लिक पाउडर है ये भी 1/4 टेबल स्पून है, और ये जिंजर पाउडर है भी हाफ से कम है, यानी कि 1/4 ही है, और यहाँ पे ले लिया चाट मसाला। और बिलफर्ज आपके पास अगर जिंजर और गार्लिक पाउडर नहीं है तो यहाँ पे आप जिंजर और गार्लिक का पेस्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जो घर में कैजुअली बना हुआ रखा होता है। इसको हम डाल देंगे एक मिक्सर बाउल में, सारा मसाला इसमें अच्छे से डाल देंगे, और ये इसके अंदर नेक्स्ट हम स्टेप आपको दिखाते हैं करके। बहुत ही जल्दी बनने वाले, 10 मिनट में बन के तैयार होने वाला ये खाना है। ये है हमारा बोटी है, तवा बोटी। इसमें मैंने डाली है थोड़े से सेसमी सीड वाइट, ये सिर्फ गुड लुकिंग के लिए हैं और जो टेस्ट भी इन्हेंस करेंगे, अगर आप चाहें तो डाल दीजिएगा, ठीक है, ना हो तो स्किप कर दीजिएगा। लेमन जूस डलेगा यहाँ पर आपके पास, अगर बहुत जूसी लेमन है तो यहाँ पे आपने 2 लेमन का जूस इसके अंदर ऐड कर देना, और अगर लेमन आपके पास थोड़े छोटे हो तो आप 4 डाल दीजिएगा, ठीक है। लेमन जूस जो होता है ना, इसके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट लेकर आएगा, लेमन जूस लाजमी डालेगा। अगर लेमन बिलफर्स घर में ना हो तो उसकी जगह पर आप जो है ना सिरका डाल सकते हो, और 2 चम्मच या फिर दही ऐड कर सकते हो, बट दही में पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। नींबू मैंने डाली थी यहाँ पे, मैंने डाली है कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लोर मैंने तकरीबन 3-3.5 टेबल स्पून डाले हैं, छोटा वाला चम्मच है ना ये वाला, ये देखिए ये टीस्पून है छोटा वाला, ये मैंने तकरीबन 2, अगर आप बड़ा लें तो 1 चम्मच डाल दीजिएगा भर के। विनेगर डालेंगे यहाँ पे हम, जो सिरका होता है कैजुअली घर में सिरका होता है वो सिरका डालेंगे, ये भी तकरीबन 1 चम्मच डाल देंगे, 1 टेबल स्पून हमने विनेगर डाली है। इसको अच्छे तरीके से मैश कर देंगे, सारे मसालों को यकजान कर देंगे, ठीक है। अगर मिर्च आप यहाँ पे ज़्यादा खाना चाहो तो चिली फ्लेक्स थोड़ा सा बढ़ा लेना। तो यहाँ पे मैं डालूँगी गुड कलर के लिए फूड कलर, ये जो जर्दे का रंग होता है हमारा ऑरेंज फूड कलर, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अच्छे तरीके से इसको हिलाएंगे, झटपट से बनने वाला जो ये बोटी का है ना, यानी कि तवा बोटी, आपको इतना ज़बरदस्त इम्प्रेस करेगी ये रेसिपी, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। मार्केट से इतनी ज़बरदस्त आप महंगी परचेज़ करते हो, घर में आप बनाओ थोड़ी सी देर के अंदर बहुत थोड़ी सी कम मेहनत, यानी कि मेहनत थोड़ी सी लगेगी और थोड़े से ही पैसों के अंदर आप बहुत ही ज़बरदस्ती ये बोटी जो है बना सकते हो। चलिए मसाला कर देंगे साइड में, आपको जो मैंने चिकन बॉईल करके रखा था 10 मिनट के लिए, इसको मैंने उबालना था 10 से 12 मिनट, इससे ज़्यादा मत उबालिएगा वरना ये बिखर जाएगा और इस स्टिक्स में पिरेगा नहीं, ठीक है। ये सारा जो मैंने मसाला यहाँ पर लगाया है इसकी कोडिंग, इसके ऊपर हम इसको कर देंगे पोर, अच्छे तरीके से सारा बॉल खाली करेंगे, बिल्कुल भी आपका मसाला ज़ाया नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट पे जब आपने मसाला बनाया होता है तो आप चाहो तो यहाँ पे अपना नमक मिर्च और सब चीज़ें स्पाइस वगैरह जो है वो टेस्ट कर सकते हो, अगर कम हो तो दोबारा से और डाल दीजिएगा, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से मैश कर दिया मैंने, और अब ले लेंगे हम ये वुडन स्टिक, ये होती हैं कि बाज़ार से बहुत आसानी से मिल जाती हैं। तो ये वुडन स्टिक के ऊपर हम डालेंगे 1 अदद ये चिकन की जो बोटी हमने जिसमें मसाला मैरिनेट किया था, ये हमने आलू जो नमक और जर्दे का रंग डाल के बॉयल कर लिया था, ये आलू पिरोएंगे इसके अंदर। यहाँ पर मैंने ये ऑनियन को कट कर लिया था इस तरीके से, 1 अदद हम इसके अंदर प्याज लगा देंगे, फिर से यही करेंगे, यहीं पे हम यहाँ पे चिकन लगाएंगे, चिकन के साथ फिर दोबारा से पटेटो और फिर दोबारा से ऑनियन लगा देंगे। इस तरीके से हमारी स्टिक जो है वो पूरी कवर हो जाएगी, साथ साथ जोड़ देंगे इसको, ताकि क्योंकि अब इसमें स्पेस वगैरह इसने फूलना तो है कोई नहीं, बस इसी तरीके से इसको सारी को हम फिलअप कर लेंगे, ठीक है। तो वो हो शिमला मिर्च रह गई थी, चलिए शिमला मिर्च हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं गुड कलर के लिए, मैंने साइड में कट करके रखी थी और मेरी नज़र नहीं पड़ी, ठीक है। तो सेंटर में आप एक एक शिमला मिर्च भी इसी तरीके से काट के, याद रहे कि सब स्क्वायर शेप में ही कटेगा तभी ये गुड लुकिंग लगेगा, ठीक है। यहाँ शिमला मिर्च चले मैं इसके ऊपर और नीचे ऐड कर देती हूँ, पॉसिबल जहाँ जहाँ होता है। तो शिमला मिर्च जहन में नहीं है ना, शिमला मिर्च भी सेंटर में इसके एक एक शिमला मिर्च लगाइएगा, टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है जब इसको आप फ्राई करोगे ना, तो ये बहुत अच्छी खुशबू लेकर आएगा। और इसमें कोई झंझट का काम नहीं है, ना आपको इसको कोयले पे बनाना है जी, ना इसको आपने कोई ज़्यादा कोई इधर उधर का कोई बखेड़ा नहीं है, जल्द से जल्द बनने वाली ये रेसिपी है, बहुत ही माउथ वाटरिंग रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। चले जी करते हैं स्टार्ट इसको बनाना। यहाँ पर हमने ले लिया एक नॉन स्टिक पैन, जैसे कि तवा आपको नजर आ रहा है, बड़े से चपटे पहने वाला तवा लीजिएगा, शेलो फ्राई करने वाले हैं इसको, बिल्कुल डीप फ्राई नहीं होगी ये। और इसको हमने एक जो टिप है छोटी सी वो ये कि जब आप ऑयल डालेंगे तवे पे और तवा का ऑयल जो ठंडा होगा, ठीक है, इतना ज़्यादा हीट अप नहीं होगा, तब हमने ये सारी स्टिक्स इसके ऊपर रख देनी है।
गरम ऑयल के ऊपर आप ये स्टीक या फिर कोई भी तला हुआ चिकन, जो चिकन या गोश्त वगैरह है, वो तेज़ गर्म ऑयल में ना डाला करें, वरना वो चिपक जाता है और फिर उसकी लुक जो है बहुत ख़राब हो जाती है। ठीक है, 2 मिनट हम इस तरह से पकाएंगे, बिल्कुल हल्की हल्की गैस है हमारी, पहले से सब कुछ कुक हुआ है, जैसे हमने यहाँ इसको फ्लेवर और कलर देना है, तो इसको हम बिल्कुल धीमी आंच के अंदर 2-3 मिनट इधर से और 2-3 मिनट दूसरी तरफ से हर तरफ से घुमा घुमा के सेक लेंगे, और उसके बाद आप देखिएगा जनाब रिजल्ट, आपका दिल खुश हो जाएगा इसका रिजल्ट देख के। चले इसको हम घुमा के पलट देते हैं स्टिक्स की मदद से, स्टिक थोड़ी सी गर्म होती है, अगर आप लोग इस तरह पलट सके तो इस तरह, वरना फिर आप इसको किसी भी चिमटे वगैरह की मदद से पलट लेना। ठीक है, ये देखें कलर इसका आता चला जा रहा है, इसको हम घुमा घुमा के सेकेंगे हर तरफ से, क्योंकि आप जानते हो इसको पहले हमने बॉईल कर लिया था, इसलिए इसके अंदर अब किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना इसको गलाने की ज़रूरत है, ना इसमें कोई कच्चापन होगा। बिल्कुल बिगिनर बच्चे जो बनाना चाहते हैं, बिगिनर लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, वो इस तरीके से इस रेसिपी से बनाएं, घर वालों को बहुत ही पसंद आने वाली है, बहुत ज़्यादा आपकी वाह वाह होने वाली है जनाब घर में, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए जी, ये खूबसूरत सी रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है सुबह लाइब अहमद इस्फान लाजिम, और गुड लुकिंग सी रेसिपी जो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको आप ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और एक फीडबैक देना ना भूलना। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी के साथ मैं दुआओं में मुझको याद रखना, और इंशाल्लाह इसी किसी अच्छी रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होंगी। ये देखें वेजिटेबल मैंने साथ में ऐड किया था, जो कि बहुत ही गुड लुकिंग लग रहा है, सिर्फ चिकन चिकन जो है वो ज़रा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, टेस्ट को ब्रेक करने के लिए लाजमी इसमें वेजिटेबल ऐड किया करें, बहुत ही मज़ेदार सी बनी है ये, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ट्राई करना मस्ट होता है हर रेसिपी को, अगर रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड में, फीडबैक दीजिएगा और अपने दुआ में मुझे याद रखिएगा। चले जी, ऊपर से मैंने चाट मसाला डाल दिया जो कि मेरा होममेड था चाट मसाला, इसकी भी मैंने रेसिपी अपलोड की हुई है, अगर आपको देखनी हो तो मेरे उसमें जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप मेरी रेसिपी देख सकते हैं। चले जी, ये तैयार हो चुका है हमारा बहुत ही खूबसूरत और गुड लुकिंग सा जो है हमारा, यानी कि स्नैक ज़बरदस्त सा बन के तैयार हुआ है, गुड लुकिंग के साथ बहुत ही डिलीशियस भी है ना, माउथ वाटरिंग रेसिपी। चले जी, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।